बीसीसीएल के द्वारा पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने किया विरोध। पुटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल के गोपालीचक कोलेरी द्वारा हजारों पेड़ों को काटकर नया आउटसोर्सिंग खोलने के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने गोपालीचक 13 नंबर जंगल पहुंचकर बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। पर्यावरण बचाने में काफी संख्या में महिलाएं एवं छोटे छोटे बच्चे भी उपस्थित हुए और पेड़ों को पकड़कर चिपक गए। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग अपनी जान दे देंगे मगर पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पर्यावरण बचाने में हम लोग अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। वहीं महिलाओं ने अखबार की पर्ची लहराते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने कुछ ही दिन पूर्व कहा था कि एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, मगर यहाँ पर तो पर्यावरण को ही नष्ट किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। वहीं बीसीसीएल के प्रबंधक एके वर्मा ने सोमवार को ही मौखिक रूप से कहा था कि वन विभाग के द्वारा हम लोग आदेश लेकर ही काम करेंगे। देश को कोयले की भी ज़रूरत है, हम लोगों के पास सारे दस्तावेज तैयार है। विरोध को देखते हुए प्रबंधक ने भी अभी तक अपना काम ठप रखा। देखिए, वन हम लोग का जिंदगी है और जब वन ही नहीं रहेगा तो हम लोग का आने वाला बच्चे लोग और भविष्य कहाँ जाएंगे। जल जीवन यही सबका प्रस्ताव है। अच्छा, 23 जुलाई 2022 को हेमंत सोरेन ने बोले थे कि हर एक पेड़ लगाइए, एक पेड़ लगाने पर आपको 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। फिर ये क्यों? मैं यही बोलना चाहता हूँ सरकार से और वन विभाग के मालिक से कि वो आए और हम लोग से वार्ता करें। हेमंत सोरेन जी बोले थे ना कि अगर गाज कटती है तो आप उन पर दबाव डालिए, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए। आज जो इस तरह से बीसीएल के लोग आज 11 तारीख है कुछ वृक्ष को काटने की बात कहेंगे तो क्या इसका विरोध करेंगे? जी विरोध करेंगे, नहीं तो फिर हम आए क्यों हैं? महिला लोग, बच्चे लोग आए क्यों हैं? हम तो वार्ता करने के लिए तैयार है, आइए बात कीजिए हमसे। क्या नाम हो गया? नीतू देवी जी। हम पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं। हम लोगों ने ठाना है कि पेड़ों को बचाना है। हम लोग जानते हैं कि पूरा धनबाद प्रदूषण से पूरी तरह से लैस है। यहाँ प्रदूषण का इतना अधिक बढ़ चुका है, बीमारियाँ फैल रही हैं और उसमें ये बीसीएल चाहता है कि ये हरे भरे हजारों पेड़ों को काट लिया जाए। कई तरह से माइनिंग किया जा सकता है, इंक्लाइन भी किया जा सकता है। हमारा एक नंबर चाणक जिसमें एक नंबर अंतर साइट कोला है उसको ये लोग बंद कर रखा है। ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। पेड़ों को किसी कीमत नहीं कटने देंगे क्योंकि पेड़ है तो बच्चों का भविष्य है। आज बीसीसीएल की ओर से और मतलब कि आज ये पेड़ों के कटने की बात कही थी 11 तारीख है, इस पर आप किस तरह का विरोध कर रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। हम लोग चिपको आंदोलन चलाएंगे, पेड़ से चिपक जाएंगे। चाहे बीसीसीएल तो हमें काट सकती है, हमें मार सकती है, जो चाहे कर सकती है, लेकिन हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कैश आलम, महासचिव पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति।